दोस्तों यहाँ पे हमारे व्यूअर्स ने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया, इतना अच्छा सिविल मेंटेनेंस किया, कोटक महिंद्रा बैंक और IFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड सेम डे सेम टाइम पे अप्रूव हो गया, वो भी हाई लिमिट के साथ। चलिए बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आप मेरे व्यूअर्स हैं जो कि ये काफ़ी हैप्पी हैं और इनकी एक अच्छी प्रोफाइल होने की वजह से इनको दो कार्ड सेम टाइम पे सेम समय पे अलग अलग लिमिट के साथ अप्रूव हुआ, वो भी अलग अलग बैंक का। कितनी बड़ी बात है क्रेडिट कार्ड सेम टाइम पे सेम डे में अलग अलग लिमिट के साथ अलग अलग बैंक का अप्रूवल मिलना, कितनी बड़ी बात है। कैसे, थोड़ा आपको विस्तार से हम बताते हैं। मित्रों यहाँ पे इनका सिविल स्कोर 770 प्लस था और आपको पता है कि सिविल अगर आपकी बढ़िया है तो क्रेडिट कार्ड लोन देने से कोई बैंक इनकार नहीं कर सकता। यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है कि अब एक कार्ड के लिए प्रोसेस किया, एक कार्ड अप्रूव हो गया, दूसरे कार्ड के लिए प्रोसेस किया, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर आप किसी बैंक कार्ड अप्लाई करते हो तो सिस्टम तुरंत आपके सिविल को वेरीफाइड करता है, देखता है कितना सिविल है, कितना प्रोफाइल है, क्या आपका लेन देन है, कैसा रिकॉर्ड है, कितना आपका आउटस्टैंडिंग है, कोई ओवर ड्यू तो नहीं है। सिस्टम 10 से 5 सेकंड के अंदर सारी चीज़ों को वो वेरीफाइड कर लेता है। वेरीफाइड करने के बाद वहाँ पे एक रिजल्ट जो है शो कर जाता है, इनका ए रिजल्ट है। अब इनका रिजल्ट, इनकी प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया थी, अब इनको सिस्टम ने खुद ही अप्रूवल दे दिया और एक प्रकार से आप मान लो कि प्रे अप्रूव ऑफर है। यहाँ पे दोस्तों लिमिट की बात करूँ तो इनको जो है 1,80,000 से 90,000, मतलब कि दोनों बैंक का लिमिट अलग अलग है, और इनका कोई भी इनकम प्रूफ पे स्लिप ITR इनको नहीं देना पड़ा। और यहाँ पे ये जो बैंकें हैं इनका कार्ड जल्दी नहीं मिलता है, कोटक महिंद्रा बैंक और IFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड जल्दी किसी को नहीं मिलता है। ऐसा बैंक है कि बिना किसी दिक्कत प्रॉब्लम का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर दिया। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि इस तरीके से कार्ड अप्रूवल मिल जाए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्रेडिट कार्ड जो होता है बैंकें तभी आपको देती है जब आपकी अच्छी प्रोफाइल होती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पेशेंस का। आज के टाइम की बात करूँ तो हमारे इंडिया में लोगों के पास टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है। लोग क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए जल्दीबाजी में रॉन्ग कार्ड नंबर डाल के पैसा किसी और कार्ड में भेज दे रहे हैं। लोग जल्दी जल्दी में अपना पैसा किसी और के अकाउंट में एक मोबाइल नंबर गलत डाल के पैसा भेज रहे हैं। क्यों? ये है जल्दबाजी। तो मित्रों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्रेडिट कार्ड अगर आपको लेना है तो पेशेंस रखिए, समय रखिए, टाइम रखिए, एक वक्त का इंतज़ार कीजिए, प्रोफाइल पे ध्यान दीजिए, किसी की बातों पे मत आइए। आपको बर्बाद करने वाले, गलत मार्ग पे दिखाने वाले लाखों मिल जाएंगे, एक सही चीज़ बताने वाला बहुत कम लोग मिलेंगे। आप एक यूट्यूब पर एक वीडियो ओपन करोगे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर लो, ये वाले मंत्र आपको सुनने को मिलेंगे। पर कोई ये नहीं बोलता है कि भाई इस तरीके से आप काम करो, लाइक सब्सक्राइब तो बाद में है। दोस्तों आपको बता दूं, आज अपने इंडिया में लोग इतना परेशान क्यों हैं? लोग अपने, मतलब एक सेल्फिश, अपने काम के लिए दूसरों को गलत चीज़ें बता के उनको परेशान कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे इनको क्रेडिट कार्ड मिला दो बैंकों का अलग अलग टाइम पे अच्छी लिमिट के साथ, आपको मिलेगा, आप पेशेंस रखिए, गलत काम मत कीजिए, किसी की बातों मत आइए, खुद का दिमाग लगाइए। कोई काम खुद की सोच से करोगे तो कभी वो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। तो इनकी ये कहानी थी जो मैंने आपको शेयर किया। आप बताना कार्ड क्या आपको कैसे मिला था, अपने अकाउंट में जरूर शेयर कर देना, और बताना कि आपको सेम टाइम में सेम बैंक का या अलग अलग बैंक कार्ड अप्रूव हुआ था, वो भी शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।